Hello students, in our last video we had learned the second lesson of second semester, that is the wind blew. Also you can say it the wind blew. Okay, so today we will solve its all question and answer. So change the page and you have to look at page number 15. Read here first. Question number 1. Write in correct order the things that the wind took. Okay. It means you have to list of those things which wind took. तो यहाँ पे आपको करना है कि जो भी आपने विंड में या फिर उस लेसन में हमने देखा है कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें उस हवे के साथ उड़ गई थी, उन सारी चीज़ों का नाम हमें इस लाइन्स में लिखना है. सो यू हैव गिवन द पिक्चर्स ऑफ दोज थिंग्स एंड यू हैव टू जस्ट राइट इट्स स्पेलिंग और इट्स नेम इन टू दिस फिल इन द ब्लैंक्स. सो फर्स्ट यू कैन सी हियर एंड यू हैव टू राइट स्पेलिंग ऑफ अम्ब्रेला, अल्सो बलून, नेक्स्ट हैट, नेक्स्ट काइट, नेक्स्ट शर्ट एंड लास्ट हैंकी. दीज ऑल थिंग्स विच वाइंड टुक दैट वी हैव रिटन हियर एंड यू हैव टू ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस. ओके, सो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 2. मैच द पर्सन्स विद द थिंग्स. यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में कुछ पर्सन्स के नेम दिए हैं जो हमारे लेसन में हमने सीखे हैं एंड राइट साइड में आपको वही थिंग्स दिए हैं जो उन पर्सन्स के थिंग्स हवे के साथ उड़ गए थे. तो आपको किसकी चीज़ कौन किसके नाम की थी वो आपको यहाँ पे मैच करना है. सो फर्स्ट जिम्स काइट. जिम का क्या था? काइट था. तो हमने जिम्स को काइट के साथ मैच किया है. इसी तरह से आपको बाकी सारे पर्सन्स और उनके थिंग्स को मैच करना है. सो लुक एट हियर नेक्स्ट. टॉम्स अम्ब्रेला. नेक्स्ट जॉन्स हैट. लूसीज बलून. सोनूज हैंकी एंड नीनाज स्कर्ट. इन दिस वे यू हैव टू ज्वाइन दिस ऑल पर्सन्स टू विद दियर थिंग्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन. व्हाट डिड द विंड डू द टू दिस फॉलोइंग. तो यहाँ पे जो भी थिंग्स दिए है ओके, तो उन थिंग्स के साथ उस विंड ने जो जोरों की हवा आई थी ना, तो उस हवे ने उस थिंग्स के साथ किस तरह से बिहेव किया या फिर उसके उसका उस हवे में किस तरह से चेंज हुआ या फिर कैसे उनके साथ वह उड़ गई वो आपको यहाँ पे लिखना है. सो फर्स्ट हैट. हैट के बारे में हमें क्या लिखना है? इट रोल्ड द हैट राउंड एंड राउंड ऑन द ग्राउंड. तो जब हवा जोर की हवा आई और उस हवे ने हैट को लेके जा रही थी, तो उस टाइम वह हैट रोल्ड मतलब गोल गोल घूमी और ज़मीन पर गिर गई. इस तरह से यहाँ पे इसका मीनिंग है और आपको ये लाइन्स लिखनी है. इट मीन्स वॉट? हैट. हैट रोल्ड द हैट. इट रोल द हैट. सॉरी, इट मीन्स विंड. विंड रोल द हैट राउंड एंड राउंड ऑन द ग्राउंड. नेक्स्ट काइट. वट हैपन्स अबाउट द काइट? द काइट वेंट अप वेरी हाई. काइट क्या हो गई? बहुत ऊंची हवे के साथ उड़ गई. देन थर्ड है स्कर्ट. इट्स टॉस्ड द स्कर्ट अप इन टू द स्काई. स्कर्ट का स्कर्ट के साथ क्या हो गया था कि वह स्कर्ट उड़ते उड़ते बहुत ऊपर चली गई थी उस हवे के साथ. देन लास्ट हैंकी. इट गोज अप इन टू द स्काई. द हैंकी रोज. ओके, तो हैंकी भी क्या हो गई थी? उस हवे के साथ बहुत ऊंचाई पर मतलब आसमान में जाके उड़ चुकी थी. नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज. ऑन दिस पेज यू हैव गिवन वर्ड पॉपर पावर. वर्ड पावर इट मीन्स यू हैव गिवन सम ऑफ द दोज क्वेश्चंस विच वी कैन राइट इजिली. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. वेयर विल यू पुट आई टू कम्प्लीट द वर्ड्स बिलो. यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स दिए हैं जिसमें आई लिखना बाकी है. ओके, तो इन वर्ड्स में आई हमें कहाँ पे राइट डाउन करना है वो देख के वो वर्ड कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया है ए और आर. तो ए आर ये जो वर्ड दिया है उसके उस वर्ड में हमें कहाँ पे आई इंक्लूड करना होगा वो आपको देखना है और वह आई आपको उसमें फिलअप करना है. सो एयर का क्या होता है? ए आई आर. ए और आर के बीच में आई आएगा क्योंकि स्पेलिंग ऑफ एयर इज ए आई आर. ओके, सो लेट अस सी द जी आर एल. जी आर एल मीन्स यहाँ पे स्पेलिंग आएगी गर्ल की. सो यू हैव टू राइट इट जी आई आर एल गर्ल. नेक्स्ट है काइट. तो काइट का जो आई है वो हिडन है मतलब यहाँ पे नहीं दिया है, तो आपको वो करेक्ट स्पेलिंग के साथ वो आई कहाँ पे राइट डाउन करना है वो देख के उसकी स्पेलिंग राइट डाउन करनी है. सो के टी ई. सो यू हैव टू राइट हियर नाउ के आई टी ई काइट. नेक्स्ट है टी एम ई. इट मीन्स टाइम. द स्पेलिंग ऑफ टाइम टी आई एम ई टाइम. देन है स्कर्ट. एस के आर टी यू हैव गिवन हियर.
and where do we include I letter? So you have to write here just like this, skirt, skirt. Okay, let us see the next word, lght. It means here we can add I and make our words light, light, light. Next hai, wind. So you have to write here wind, wind. Then things, thing, thing. इस तरह से इन वर्ड्स में हमने क्या किया है, सिर्फ आई लेटर है जो यहाँ पे आपको नहीं दिया है, और वह आई लेटर आपको उसके करेक्ट जगह पे लिख के उसकी स्पेलिंग यहाँ पे फिलअप करनी है. ओके स्टूडेंट्स, होप्स यू अंडरस्टैंड. सो लेट अस वी विल लर्न सेकंड क्वेश्चन. चूज द करेक्ट शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो. तो यहाँ पे आपको बॉक्स में शॉर्ट फॉर्म्स दिए हैं, किसके, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं ना उसके शॉर्ट फॉर्म्स है ये. तो आपको क्या करना है, इस वर्ड्स का जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा, जो करेक्ट शॉर्ट फॉर्म होगा, उसको आपको उठा के इस फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है. लेट अस वी विल सी. फर्स्ट है इट इज. तो इट इज को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है बच्चों, तो आई टी, यहाँ पे आपको एपोस्ट्रॉफी देना है और यस फिलअप करना है. इसका मीनिंग हुआ इट्स. ओके, इट इज इसको हम शॉर्ट में कैसे बोलते हैं, इट्स. ओके, और ये शॉर्ट फॉर्म्स एपोस्ट्रॉफी के साथ लिखे जाते हैं. सो इट इज इट्स. देन आई एम, आई एम. ही इज, हीज. इज नॉट, इजंट. विल नॉट, वोंट. सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस शॉर्ट फॉर्म्स. लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच इच वर्ड विथ इट्स ऑपोजिट. तो यहाँ पे कुछ ऑपोजिट वर्ड दिए हैं, उसको आपको मैच करना है. सो लेट अस वी विल लर्न. फास्ट, स्लो. फास्ट का ऑपोजिट वर्ड कौन सा होता है, स्लो. फास्ट मीन्स तेज और स्लो मीन्स धीमा, मतलब धीरे से. ओके, कैन, कांट. कैन मीन्स कोई भी चीज़ हो वो हम कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं कैन. और कैंट मीन्स हम नहीं कर सकते हैं, इसका ऑपोजिट. ओके, सो नेक्स्ट है गिव. गिव मीन्स देना. एंड इट्स, इसका ऑपोजिट है टेक. टेक मीन्स लेना. ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट. पुश एंड पुल. ऑल्सो वी कैन सी हियर लिटल, बिग. इन दिस वे यू हैव टू राइट इट्स ऑपोजिट वर्ड्स इन दिस बॉक्सेस एंड यू हैव टू मैच दिस पेयर्स करेक्टली. फास्ट, स्लो. कैन, कांट. गिव, टेक. पुश, पुल. लिटल, बिग. एज लाइक दिस. सो लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज हियर. ऑन द नेक्स्ट पेज हियर यू कैन सी ग्रामर इन यूज. ग्रामेटिकल पार्ट हियर यू हैव गिवन. And that is, first we use apostrophe s for people and we use of for things. अभी देखो यहाँ पे apostrophe s हम किसके लिए यूज़ करते हैं, peoples के लिए. और of ये जो वर्ड है वो वर्ड हम यूज़ करते हैं things के लिए. कोई भी चीज़ हो तो उसके साथ हम of का join करते हैं, और person है, people है, तो उनके साथ apostrophe s का join करते हैं. So let us see example. The chair's leg. ये जो option है या फिर ये जो sentence है chair's leg, तो यहाँ पे चेयर है. चेयर क्या है, पीपल है या थिंग्स है, थिंग्स है. सो जब भी थिंग्स होता है तो उसको हम कैसे राइट डाउन करते हैं, ऑफ के साथ राइट डाउन करते हैं, नॉट एपोस्ट्रॉफी एस. सो ये सेंटेंस रॉन्ग है. यू हैव टू गिवन हियर दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. व्हाई, बिकॉज हियर वी कैन सी द थिंग्स एंड व्हेन वी यूज थिंग्स दैट टाइम वी यूज जस्ट ऑफ लेटर. ओके, सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. सो हाउ डू वी राइट दिस करेक्ट सेंटेंस, लेट अस सी हियर. द लेग ऑफ द चेयर. वी हैव टू राइट this of word into this sentence, so this is called correct sentence. The leg of the chair. Next also we can see here Mohan's father. This is a correct sentence. Why? Because Mohan's father, these are peoples, and when we see the peoples in the sentence, that time we use apostrophe s. Okay, तो जब भी हम ऐसे peoples या फिर कोई भी किसी भी लोग या फिर किसी भी person का नाम देखते हैं, तो उस टाइम हम वहाँ पे apostrophe s का यूज़ करते हैं. और जब भी किसी वस्तु का नाम सेंटेंस में आता है तो उस टाइम हम apostrophe s का यूज़ नहीं करते हैं, तो उसकी जगह पे क्या यूज़ करते हैं, ऑफ वर्ड यूज़ करते हैं. ओके, सो यू शुड रिमेंबर इट. एंड लेट अस सी द नेक्स्ट. द फादर ऑफ मोहन, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है. ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है. यहाँ पे कुछ भी राइट डाउन नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि जब पीपल्स होते हैं तो apostrophe s आता है, और जब थिंग्स होते हैं तो ऑफ का यूज़ करते हैं. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड री राइट इच सेंटेंस करेक्टली. यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, जैसे भी अभी हमने देखा कि कब apostrophe s का यूज़ करना है और कब ऑफ का यूज़ करना है, तो वही आपको अभी इस सेंटेंस में यूज़ करना है. सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज काइट ऑफ जिम. दिस इज अ काइट ऑफ जिम. ये काइट किसका है, जिम का है. इट मीन्स वी कैन सी हियर पर्सन नेम जिम, सो वी कैन राइट हियर apostrophe s लाइक दिस.
दिस इज जिम्स काइट, दिस इज जिम्स काइट. नाउ लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन. दिस इज अ हैट ऑफ जॉन, दिस इज अ हैट ऑफ जॉन. सो वी कैन ऑल्सो सी हियर जॉन नेम, इट मीन्स दिस इज अ पर्सन नेम. देन वेन वी सी द पर्सन नेम दैट टाइम वी कैन यूज एपोस्ट्रॉफी यस. सो लेट अस वी विल सॉल्व दिस आंसर. दिस इज जॉन्स हैट. ओके, तो आपको यहाँ पे भी एपोस्ट्रॉफी यस का यूज करना है. लेट अस सी द थर्ड. दिस इज अ स्कर्ट ऑफ नीना, दिस इज अ स्कर्ट ऑफ नीना. तो नीना का स्कर्ट है. सो नीना ऑल्सो पीपल. सो वी हैव टू राइट दिस इज नीना स्कर्ट. एंड लास्ट सेंटेंस यू कैन सी हियर, दिस इज अ हैंकी ऑफ सोनू. देन यू हैव टू राइट दिस इज अ सोनूज हैंकी. इन दिस वे इन आवर लेसन वी कैन सी अ काइट ऑफ जिम, अ हैट ऑफ जॉन, अ स्कर्ट ऑफ नीना एंड अ हैंकी ऑफ सोनू. दिस वर्ड्स, इट मीन्स दिस ऑल वर्ड्स इज सिमिलर टू दिस पीपल्स. ओके, सो वी हैव टू राइट एपोस्ट्रोफियस फॉर इट्स पर्सन्स नेम. इन दिस वे वी हैड लर्न दिस ग्रामेटिकल पार्ट. एंड लेट अस नाउ सी हियर ए स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ग्रामर, दैट इज वॉवेल साउंड आई. तो अभी यहाँ पे हमें देखना है कि जो हमारे वॉवेल साउंड है कितने हैं. यस, फाइव है. कौन कौन से? तो ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये हमारे वॉवेल साउंड है. तो उसमें से आपको यहाँ पे दिया है आई साउंड. तो इस आई साउंड को हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं वो हमें देखना है. अभी ये आई साउंड कभी कभी उसका लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है तो कभी शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन होता है. सो यू कैन सी हियर नाउ, शॉर्ट वॉवेल साउंड आई एंड लॉन्ग वॉवेल साउंड आई. तो ये जो आई, किसी भी वर्ड्स में जब भी आई लेटर आता है या फिर आई वॉवेल साउंड आता है तो उसका साउंड कब हमें शॉर्ट में करना है और कब लॉन्ग में करना है वो यहाँ पे आपको दिया है. सो लेट अस सी द शॉर्ट वॉवेल साउंड. और ये शॉर्ट वॉवेल हो या फिर लॉन्ग हो तो उसका हम प्रोनाउंसिएशन किस तरह से करते हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है बच्चों. सो लेट अस सी, पी आई एन पिन, टी आई एन टिन, पी आई जी पिग, सी आई टी सॉरी एस आई टी सिट, एच आई टी हिट. इन दिस वे दिस वॉवेल साउंड इज शॉर्ट एंड वी ऑल्सो प्रोनाउंस इट वेरी शॉर्टली, पिन, टिन, पिग, सिट एंड हिट इन दिस वे. एंड लेट अस सी द लॉन्ग वॉवेल साउंड आई, के आई टी ई काइट, एफ आई जी एस टी फाइट, एन आई जी एस टी नाइट, डब्ल्यू आर आई टी ई राइट एंड एल आई जी एस टी लाइट. सो यहाँ पे जो वर्ड्स में आई लेटर आया है उसका साउंड लॉन्ग है. लेट अस सी हाउ, काइट, फाइट, नाइट, राइट एंड लाइट. इट मीन्स देयर आर वॉवेल साउंड्स बट ईच एंड एवरी वॉवेल साउंड हैज अ टू डिफरेंट पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट वॉवेल साउंड एंड लॉन्ग वॉवेल साउंड. सो हियर यू शुड रिमेंबर दैट हाउ डू वी प्रोनाउंस शॉर्ट वॉवेल साउंड एंड हाउ डू वी प्रोनाउंस लॉन्ग वॉवेल साउंड ऑफ दैट आई लेटर. ओके, सो लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज नाउ. नाउ हियर, स्पीक वेल, टॉक टू योर क्लासमेट्स अबाउट द वेदर टूडे. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से, तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया है और उस पिक्चर्स में जो एटमोसफियर है, जो वेदर है वो किस टाइप का है उसके बारे में आपको यहाँ पे कुछ लाइन्स दिए हैं और उसमें से आपको जो करेक्ट है उसको टिक आउट करना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पिक्चर्स में देखना है अगर वो हॉट सीजन है या फिर कोल्ड है तो उसको उसी पिक्चर्स को देख के वही करेक्ट सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखना है. और ये सारे जिसको जिसको आप करेक्ट करेंगे वो सारे लाइन्स आपको इस नीचे दिए हुए बॉक्स में राइट डाउन करने हैं. ओके, सो लेट अस सी हाउ. फर्स्ट, इट इज़ हॉट टुडे. अभी इस पिक्चर्स को ध्यान से देखो और बताओ कि या इस पिक्चर में आपको गर्मी दिखाई देती है कहाँ पे या फिर कहीं पे सूरज दिखाई दे रहा है? नहीं, वी कैन नॉट सी एनी ऑफ दिस लाइक दिस. सो यू हैव टू राइट इट इज हॉट टुडे, दिस इज रॉन्ग. सो यू डोंट टिक आउट दिस सेंटेंस. नाउ लेट अस सी, इट इज कोल्ड टुडे. इट इज कोल्ड टुडे, तो यहाँ पे बहुत ठंडी है क्या? नहीं, वी कैन ऑल्सो वी कांट सी हियर ऑल्सो कोल्ड डेज. सो नेक्स्ट लाइन यू हैव टू सी, इट इज प्लेजेंट टुडे. यस, दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस. वाई? बिकॉज इन दिस गर्ल्स फेस वी कैन सी द प्लेजेंट हैप्पीनेस. सो वी कैन राइट इट इज प्लेजेंट टुडे. देन नेक्स्ट, द सन इज शाइनिंग. इस पिक्चर में कहीं पे सन शाइन करता हुआ दिखाई देता है? नहीं, द सन इज नॉट शाइनिंग, नहीं दिखाई देता. इसका मतलब दिस इज करेक्ट सेंटेंस, सन इज नॉट शाइनिंग. एंड नेक्स्ट, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई. वहाँ पे क्लाउड्स आए हैं स्काई में. यस, वी कैन सी दिस क्लाउड्स इन द स्काई ऑफ दिस पिक्चर. देन देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई. इस पिक्चर में क्लाउड्स नहीं है, तो ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है. फर्स्ट का सेंटेंस करेक्ट है, सो यू शुड करेक्ट इट.
देन थर्ड देखो, अ जेंटल ब्रीज इज ब्लोइंग, इसमें थोड़ी सी हवा बह रही है. देन है अ लाइट विंड इज ब्लोइंग, थोड़ी ज़्यादा बह रही है. एंड ना लास्ट है अ स्ट्रांग विंड इज ब्लोइंग, तो बहुत ज़्यादा हवा बह रही है. तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? अ लाइट विंड इज ब्लोइंग बिकॉज वी कैन सी द गर्ल्स हेयर एंड ड्रेस इज ब्लोइंग, सो इट इज कॉल्ड अ लाइट विंड इज ब्लोइंग. सो नाउ वी हैव टू राइट दिस ऑल सेंटेंस इन दिस फिल इन द ब्लैंक. सो लेट अस सी हियर, आई हैव ऑल्सो रिटन इट. इट इज प्लेजेंट टूडे, इट इज प्लेजेंट टूडे. नेक्स्ट, द सन इज नॉट शाइनिंग, द सन इज नॉट शाइनिंग. देयर आर क्लाउड्स इन द स्काय, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काय. अ लाइट विंड इज ब्लोइंग, अ लाइट विंड इज ब्लोइंग. इन दिस वे यू हैव टू राइट दिस लाइन्स इन दिस फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज. एंड हियर को स्कोलस्टिक zone, it means color in the things that are real and circle in those things that are make believe. तो यहाँ पे कुछ pictures दिए हैं, तो इन pictures में से जो real picture है उसको आपको color देना है, और जो real picture नहीं है सिर्फ वो हमें दिखाने के लिए या फिर वो एक cartoon की तरह जैसे आप देखते हो ना, वैसे अगर वो pictures होंगे तो उसको आपको circle करना है. So I have also completed it for yourself, so you have to just observe this and you have to do like this. Okay students? Hopes you understand. And today we have completed the all question and answer of your second lesson. And now you have to write or solve your textbook just like this. And hopes you understand also again. And you have to study very well at your home. Okay. So thank you.